नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। अदानी ग्रुप को अर्श से फर्श तक लाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट है और वो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। इस एक रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप की चूल्हे हिला कर रख दी। पूंजीपतियों की लिस्ट में विश्व में दो नंबर तक पहुंचने वाले अडानी को महज एक रिपोर्ट ने नंबर दो से 21वें पायदान पर धकेल दिया है। अडानी के पूरे कारोबार का नेटवर्क को इस हिंडनबर्ग ने भूकंप की तरह से हिला कर रख दिया। फोर्ब्स रेटिंग में अडानी धड़ाम, रियल टाइम रेटिंग में 17वें पायदान पर अडानी, नेटवर्थ गिरकर 61.9 अरब डॉलर पहुंची, टॉप 15 लिस्ट से बाहर हुए अडानी। जबकि इससे पहले ब्लूमबर्ग की बिलेनियर इंडेक्स में अडानी बीते शुक्रवार यानी 3 फरवरी को 21वें पायदान पर रहे, यानी टॉप 20 से भी बाहर हो गए अडानी। 2023 में अडानी की नेटवर्थ में भारी गिरावट। साल 2023 में यानी साल के दूसरे महीने में अब तक अडानी ने 48.5 अरब डॉलर की नेटवर्थ गवाई है। इस साल गौतम अडानी के लिए कुछ भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे फर्श से अर्श पर पहुंचे अडानी? जुलाई 2022 में माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स को गौतम अडानी ने पीछे छोड़ा। फरवरी 2022 में गौतम अडानी ने पूंजीपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी को पछाड़ा। अडानी इंडिया के साथ साथ एशिया के सबसे रईस आदमी बने। अप्रैल 2022 में अडानी की नेटवर्थ 100 अरब डॉलर के पहुंची पार। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप को जिस हिंडनबर्ग ने पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, इसके साथ अडानी ग्रुप को 10 दिन के अंदर 10 लाख करोड़ का झटका दिया है। अब हम उसकी हकीकत आपको बताएंगे। आखिरकार हिंडनबर्ग क्या है और ये कंपनी क्या करती है, इसका मालिक कौन है और कहां रहता है, इसके साथ ही क्या वजह थी जो हिंडनबर्ग ने अडानी के खिलाफ रिपोर्ट पब्लिश की, तो आइए जानते हैं। नाथन एंडरसन नाम का शख्स अमेरिका के क्रेस्थेटिक यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई को पूरा करता है। एंडरसन स्नातक करने के बाद नौकरी तलाशने लगता है। वही नौकरी तलाशते हुए नाथन को डेटा कंपनी में नौकरी मिल जाती है, जहां पर कंपनी पर काम पैसों के निवेश से जुड़ा होता है। जानकारी के मुताबिक एंडरसन डेटा और शेयर मार्केट में बारीकियों को समझने लगा था। उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि शेयर मार्केट निवेशकों और पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। इसे आम लोगों को समझ पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसी बीच एंडरसन सोचता है कि एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी खोलने का, जिसके बाद साल 2017 में एंडरसन हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी खोलता है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का काम पता लगाना है कि शेयर मार्केट में कोई गड़बड़ी तो नहीं, कोई कंपनी गलत तरीके से रुपयों की हेराफेरी तो नहीं कर रही, कंपनी में लॉस और प्रॉफिट की जांच करना, कोई कंपनी अपने फायदे के लिए दूसरी कंपनी के शेयर को गलत तरीके से बेट लगाकर नुकसान तो नहीं कर रही। इस तरह से एंडरसन ने अपनी रिसर्च पूरी की। हिंडनबर्ग कंपनी के जरिए एक रिपोर्ट जारी की। बता दें कि इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर मार्केट पर असर देखने को मिला। इस रिपोर्ट के जरिए हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी की कंपनियों की जो धाक शेयर मार्केट में थी उसको खत्म कर दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की समस्याएं कम होती नहीं दिख रही हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों को एडिशनल सर्विस लांस मेजर्स यानी ASM के तहत रखने का फैसला लिया है। जिन 3 कंपनियों को ASM की श्रेणी में डाला गया है उनमें अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट शामिल है। लेकिन क्या इस उठापटक के बीच अदानी ग्रुप अपनी शाख को बचा पाएगा? फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।